नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर सैलरी की कंप्यूटेशन किस तरह की जाती है, सैलरी को किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है सेक्शन 15 से 17 के बीच में सैलरी को। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स में एक अलग तरीका है सैलरी को कंप्यूटेशन करने का। वो क्या तरीका है उसके ऊपर बात करते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी के ऊपर स्लैब चालू होगा, जिसे आप कहते हैं सैलरी कंप्यूटेशन। चलिए, सैलरी को कंप्यूटेशन करने के लिए सेक्शन 15, 16, 17 दिए हुए हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उसके ऊपर बात करते हैं। पहले बेसिक सैलरी, उसके अंदर अलाउंसेस, परक्यूसीट्स और प्रॉफिट जो भी एम्प्लॉयज को एज ए सैलरी दी जा रही है, और इसमें से आप माइनस कर देंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट को, तो आपकी इनकम फ्रॉम द सैलरी हेड निकल आएगी, यानी इनकम फ्रॉम द सैलरी। अब किस तरह कंप्यूटेशन की जाएगी सैलरी वाली इनकम को इनकम टैक्स के अंदर, देखिए इसका एक चार्ट बना रखा है दोस्तों मैंने। तो हाउ टू कंप्यूटेशन सैलरी इन इनकम। तो जैसे सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी बनती है आपकी, जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें प्लस कर देंगे डीए को, और इसमें जो पेंशन है, एन्यूटीज, बोनस, कमीशंस, एरियर्स ऑफ जो बचा हुआ जो सैलरी का पोर्शन है, एडवांस है, इन सबको ऐड करने के बाद फिर इन सब का जो सम टोटल है इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर ऐड कर देंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, ग्रेजुटी, लीव्स, इनकैशमेंट, जो आपने छुट्टी ली उसका पैसा, कंप्यूटेशन पेशेंस अलाउंसेस, क्लेमिंग एग्जम्पशंस, जो भी आपको एग्जम्पशन चाहिए, इन सारी चीज़ों को एडिट करने के बाद ये सबका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फिर वैल्यू ऑफ परक्यूसीट, कितना आपको क्या परक्यूसीट में क्या दे रहे हैं, घर मकान दे रहे हैं, कैसे क्या दे रहे हैं, गाड़ी वाड़ी, ये सारी चीज़ें, तो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज होती हैं उसको एड डाउन करना है यहाँ पर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सेक्शन 17 सेकेंड और थर्ड में भी दे रखी है, तो उन सबका अमाउंट आएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो RPF में है वो कितना है, 15%, 12% ऑफ द सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज की, वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है यहाँ पर। फिर इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट RPF में आपको नोटिफाई अमाउंट मिला है वो डालना है। फिर पहला दूसरा, देखिए इन सभी को फिर आपको क्या करना है, जो आपको बेसिक सैलरी का जो पूरा पोर्शन है, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सबको क्या करना है आपको एड डाउन करना है, और फिफ्थ को भी, इंटरेस्ट वाले को भी। तो टोटल आपका क्या जाएगी, ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन होगी, कुछ आपको रियायतें मिलेंगी, जैसे कि स्टैंडर्ड्स डिडक्शंस मिलेंगे आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको माइनस होंगी। तो आपको ये सारी तीन चीज़ें रिबेट डिडक्शन दे रखी हैं, तो इन तीनों चीज़ों को जब माइनस करोगे ग्रोथ सैलरी में से तो आपको क्या आ जाएगी, इनका चार्जेबल, यानी कि इनकम जिसके ऊपर स्लैब चालू होगा वो सारी सैलरी का पोर्शन आ जाएगा। अब आते हैं डिफरेंस फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड हाउ टैक्सेस। देखिए जो इनकम के जो सोर्सेज होते हैं एज ए सैलरी वो कई सारे होते हैं, उसको हम टैक्सेबल कहेंगे या नॉन टैक्सेबल होंगे, या पूरा टैक्सेबल होगा या 50% टैक्सेबल होगा, क्या रेट होगा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए बेसिक सैलरी जो होगी पूरी टैक्सेबल होगी, डिफरेंस अलाउंस जो मिलता है आपको भत्ता वो भी टैक्सेबल होगा, एडवांस सैलरी जो मिलेगी जो टैक्सेबल, जो टैक्सेबल यानी कि अगर आप 18-19 की सैलरी आपको मिल रही है और एक साल पहले की सैलरी मिल गई आपको, तो उस पे उस साल का टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट ईयर पे वो एडवांस सैलरी के शेड्यूल पे लगेगा। जो बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग वो टैक्स कब लगेगा, जिस साल वो एरियर रह चुकी उस फाइलिंग में उसका टैक्सेशन कंप्यूटेशन होगा। लीव इन कैशमेंट टैक्सेबल होगा पूरा, लीव इन कैशमेंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट में जो आपके पास जो लीवेंस बचा हुआ है उसकी एक कैलकुलेशन है, उसके बेस पे आपको एग्जेंप्शन दी जाएगी। सैलरी इन लीव ऑफ द नोटिस, जो आपने जैसे कि आप छोड़ने वाले नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंगली, तो वो जो सैलरी जो बीच में आपने वर्किंग किया है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो कंपटीशन, देखिए सैलरी टू पार्टनर, और कोई पार्टनर उसको दी गई है तो वो नॉट चार्जेबल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब क्या होगा, फीस एंड कमीशन जो मिलती है आपको तो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर टैक्सेबल चार्जेस होगा। बोनस, देखिए अगर टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, इफ नॉट टैक्सेस अर्लियर ऑन द ड्यू, जैसे अगर ड्यू डेट से अगर पहले पहले पेमेंट की जा रही है तो उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा, और ड्यू डेट पे मिल रहा है तो कोई नहीं लगेगा, वैसे तो फुल्ली होता है। बोनस का भी अलग कैलकुलेशन है। ग्रेजुटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन है, वैसे ये पार्टली डिपेंडेंसी करता है कैलकुलेशन में कितना एग्जम्पशन होगा, कितना ज़्यादा आपको होगा, वैसे 20 लाख की आपकी एग्जम्पशन होती है। मंथली पेंशन जो आपको मिल रही है वो फुल्ली अनअकोमोडेटेड, यानी कि जो आपने फिक्सेशन नहीं है, जो आपने पहले निकाल नहीं रखी, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल। लमसम अमाउंट पेमेंट ऑफ द पेमेंट्स, यानी जो आपने पेमेंट लिया है लमसम अमाउंट, एक पार्टली पेमेंट होता है, ये 5 लाख, लोग क्या करते हैं 10 लाख की पेंशन है तो
तो 5 लाख रुपए इकट्ठा ले लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे लमसम अमाउंट, और बाकी सबकी किस्त बंधवा लेते हैं, तो उसे कहते हैं मंथली, और लमसम अमाउंट को क्या कहते हैं आपको, जो लमसम मिल गया तो क्या होगा उसमें कुछ रहते मिल जाएंगी, लेकिन जो आप मंथली किस्तों में ले रहे हैं वो टैक्सेबल होगा। पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम जो NSP लागू करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके टाइम पे जो है चार्जेबल, उसके ऊपर भी चार्ज होगा, क्या होगा टैक्स, लेकिन रिसिप्ट के बेसिस पे। एन्यूटी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, एन्यूटी जो मिलती है उसे अगर इनकम पे तौर पे, तो वो भी क्या होगी टैक्सेबल होगी एज ए सैलरी की तरह बिल्कुल। और नेशनल एक्विंसिंग टू द क्रेडिट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड, अगर कोई PF का पैसा जा रहा है तो वो क्या होगा, तो कंट्रीब्यूशन जो है 12% है सैलरी का जो जाता है आपका PF का, तो वो पूरा पूरा क्या होगा टैक्सेबल होगा। और बाकी जो नीचे दे रखा है वो इंटरेस्ट बेसिस के लिए दे रखा है, और बाकी ये जो रेमुनरेशन होगी एक्स्ट्रा ड्यूटी का फुली टैक्सेबल होता है। बाकी इसमें एग्जेंस, बाकी इसमें कंपनसेशन का दे रखा है, एग्जेंप्शन दे रखा है आपको। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा अगर सीखना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में सैलरी कंपटीशन का एक टोटल वीडियो कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपको कंपनसेशन मिलता है तो उसमें आपको जो अमाउंट है जो कैलकुलेटेड करेंगे उसमें 50-25 FB के अकॉर्डिंगली आपको कुछ रियायतें मिल सकती हैं। और कोई अमाउंट अगर गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई, अगर आप पे कर रहे हैं 5 लाख से ऊपर तक का, तो वो आपका टैक्सेबल होगा। अगर आप VRS लेते हैं तो एग्जम्पशन इन सेम केसेस, उसी टाइम पे आपको VRS के अकॉर्डिंग, अगर VRS अगर पहले रखा है तो आपको, यानी कि मेजोरिटी से पहले, तो उसमें पूरी टैक्सेबल होगी, और मेजोरिटी के बाद लेते हैं एज ए मेजोरिटी पीरियड में तो आपका एग्जम्पशन। प्रॉफिट, सैलरी का कुछ पोर्शन जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ पर्सन एज ए प्रॉफिट देती है एम्प्लॉई को एज ए सैलरी, तो क्या होगा टैक्सेबल होगा। सैलरी फ्रॉम द UNA, अगर कोई UNA से सैलरी मिलती है तो क्या होगा नॉट चार्जेबल, उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्जेबल होगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है ये पूरा पूरा एक सम टोटल है जो सैलरी के रूप में आपको एज ए एम्प्लॉय मिलता है चाहे कहीं पर भी आप काम करें, तो उसमें अधिकतर पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। हो सकता है 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो गए हों या फिर हो ही ना उस लिस्ट में, लेकिन वो भी अधिकतर क्या होंगे टैक्सेबल। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इनकम फ्रॉम द सैलरी। थैंक्स।